डायरेक्टर सू, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतनी क्रिएटिव कैसे हैं? अच्छी क्रिएटिविटी के लिए सोचना बहुत जरूरी है और लगभग एक हफ्ते की प्लानिंग भी चाहिए। जैसे कि इन्होंने प्रपोजल बनाया ही नहीं, सीईओ ली, क्या हम फेम शो का ही प्रपोजल यूज करें? बनाया नहीं तो कंपेयर कैसे करेंगे? बच्चों का खेल है क्या? कैसा मजाक है। टेक केयर चेयरमैन ली। कंग्रेचुलेशंस चीफ इंस्पेक्टर सू। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ली ग्रुप को हमारा डिजाइन पसंद आया। एडिटर सुन। जी डायरेक्टर ली। इस फैशन शो का मेन डायरेक्टर आप चीफ इंस्पेक्टर सू को बनाइए। डायरेक्टर ली, मिस सू को आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और उन्हें तो ठीक से कुछ पता भी नहीं है। मैंने तय कर लिया है, आखिर ये सारे क्रिएटिव डिजाइन चीफ इंस्पेक्टर सू के ही है। मैं नहीं चाहता कि ये कोई और हैंडल करे। आपका शुक्रिया डायरेक्टर ली। फीमेल ट्रिक्स। सूजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सही है, क्योंकि मर्द इतने खूबसूरत नहीं दिख सकते ना। इतना एक जैसा कोई कैसे देख सकता है? क्या तुम सच में मूंछें हो? नहीं हो। क्या हुआ? जान देकर शुक्रिया अदा करना चाहती हो? डायरेक्टर ली, मुझे आपसे माफी भी मांगनी है और बात भी करनी है। बिल्कुल नहीं, एक बार झूठ बोलोगी तो तुम्हारी गलती है, पर दो बार झूठ बोलोगी तो मेरी गलती है। पिछले 2 महीनों में 5 केसेस जिसमें 12 कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे ही बेहतरीन थे पूरे इंडस्ट्री में, लेकिन आपने एक भी अप्रूव नहीं किया। डायरेक्टर ली, मुझे पता है आप मिंग शो को फेम शो से बाहर निकालना चाहते हैं। डायरेक्टर ली, हमारी कंपनी आपके लिए सिर्फ बार्गेनिंग चिप होगी, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज के लिए ये उनकी करियर का सवाल है। चाहे आप मुझे माफ करें या ना करें, लेकिन मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। और मैंने इसे छुआ भी नहीं, इसे वापस करती हूँ। हेलो चीफ इंस्पेक्टर सू। हेलो मिस सू। इंस्पेक्टर सू, आपने सच में आज बहुत अच्छा काम किया, उम्मीद है आप मुझे भी मौका देंगी। सिस्टर फिलीन, मैं अभी अभी तो चाइना वापस आई हूँ, मुझे फ्यूचर में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। इंस्पेक्टर सू, आप इतनी कोशिश कर रही हैं डायरेक्टर के करीब होने की, ये सिर्फ डिजाइन कॉन्सेप्ट के लिए है? नहीं तो क्या, मैं अपनी कंपनी को हारते हुए नहीं देख सकती। इसे देखो पहले। सूही, जापानीज इंटरनेशनल स्टूडेंट, ग्रेजुएट ऑफ वासेडा यूनिवर्सिटी, फूजी जापान, सबसे यंगेस्ट कमांडर। इम्पॉसिबल, कोई इतना एक जैसा कैसे दिख सकता है? ठीक है। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? आप रात को देर से सोए होंगे, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। नहीं डाजोंग, जब तुम अब्रॉड में थे तब लड़कियों को ऐसे ही करीब लाते थे ना। अरे पुरानी बात छोड़ो भाई। डायरेक्टली चीफ इंस्पेक्टर सू, आप डायरेक्टर डू? हाँ जी मैं।
मैं आपको कॉल करने वाला था। वो क्या है कि ये जगह किसी ने 10 मिनट पहले ही रिजर्व कर ली। क्या है कि मैं भी जिया शान के साथ काम करना चाहता हूँ। हम अगली बार मिलेंगे तो बताइए, अभी भी दर्द हो रहा है क्या आपको? डायरेक्टली कहीं और चलकर बात करते हैं। शॉर्टकट्स लेने के अलावा शायद तुम्हारे पास और कोई काबिलियत नहीं है। डायरेक्टली आप सच में छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं। 3 दिन में कोई अच्छी जगह ढूंढो, नहीं तुम मिंगजू से चली जाओ। माफी चाहूंगी, मैंने ऑलरेडी जगह ढूंढ ली है। और ये जगह तो बहुत छोटी है। ये जगह बहुत दूर है। और ये जगह भी इस जगह अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसा नहीं है? चीफ इंस्पेक्टर सू, चुराए हुए जूते आपके ऊपर अच्छे नहीं लगते। उन्हें पहनकर अगर चोट भी लगे तो भी पहनूंगी मैं। हाँ शुक्रिया, मुझे मिल गया। थैंक यू। चीफ इंस्पेक्टर सू, आज बहुत मेहनत कर ली। थैंक यू डायरेक्टली। मुझे पता है यह जगह आपको पसंद आएगी। ये एक आम जगह है, मुझे ये पसंद नहीं आई। इतनी जल्दी क्या है, आंखें बंद करो। तुम्हारे सामने एक व्हाइट आर्किटेक्चर है, पर इस वक्त तुम्हें लहरों की आवाज आ रही है और इस हवा में एक नमकीन सी खुशबू है और इस वक्त गाना शुरू होता है, लाइट्स चलती हैं, एक खुला सा आसमान और तारों की रोशनी। फैशन ने हमारी कल्चर को आउटडेटेड या पुराना बना दिया है, पर किसी ने कहा था क्लासिकल चीजें कभी भी पुरानी या आउट ऑफ डेट नहीं होती। उम्मीद है आप मॉस्किटो रिपेलेंट परफ्यूम बना पाएंगे। जानती हो ना, मॉडल्स का अच्छे से ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थैंक यू डायरेक्टली, तब तो तुरंत इस जगह का बुकिंग कर लेती हूँ। तुमने जगह ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वापस चलते हैं, मुझे आपको छोटा सा प्रेजेंट देना है। स्वागत है आप सबका ली ग्रुप और फेम शो के कोलैबोरेशन शो में, जिसका थीम है ऐसी कॉस्मेटिक जो हर शहर की सुंदरता निखारे। आपकी ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्लीज आइए।
डायरेक्टर ली, डायरेक्टर ली, एक बार सर सेल्फी, सर प्लीज इधर देखिए। मैडम सुई, एलईडी स्क्रीन रेडी है। ठीक है मिस सुई, बैकग्राउंड लाइट्स रेडी है, आप शुरू कर सकती हैं। और मेकअप रूम भी तैयार है, लाइटिंग डिपार्टमेंट भी तैयार है, लाइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। लाइट्स ऑन करो, रनवे की तरफ मोड़ दो। ग्लोइंग मशीन शुरू करो। विंड शुरू करो। स्मोक मशीन। सब लोग तैयार हो जाओ, हम बस स्टार्ट करने ही वाले हैं। जो कोई भी काम पेंडिंग है 10 मिनट में हो जाना चाहिए, हमारे पास वक्त नहीं है, तो जल्दी करो। सुनो, एडिटर श्रिया मुखा है, वो आज नहीं आ सकता, मैंने पहले ही सुई को बता दिया है, उन्होंने तैयारी कर ली होगी। वो ये क्या है सुई, वो हमारा मेन मॉडल है, अगर वो नहीं आएगा तो उसे रिप्लेस कौन करेगा। ओफो, इसके ऊपर पहले ही इस शो की कितनी जिम्मेदारी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर डेरेक को इन्वाइट कर लेती हूँ। नहीं रुको, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुई ये कितना क्रिटिकल टाइम है, अपनी इज्जत के बारे में मत सोचो, अगर तुम ऐसे डीले करती रहोगी तो स्टेज पर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हेलो, कहाँ हो तुम? सामने की तरफ। तो अंदर आ जाओ। ओह, एक बार इधर देखिए ना, एक सेल्फी, एक सेल्फी। एक्सक्यूज मी, आइए इस तरफ। मिस सुई, देखो उस तरफ चलो। तो आपको मिलाना चाहूंगी मेरे नए रिप्लेस मॉडल से, शांता। क्या कह रही है? देखो ना, इसे देखो। बीवी, ये आउटफिट ट्राई करेगा, यहाँ ले आओ। ओ नहीं नहीं, पूरी ड्रेस खराब हो गई। कोई बैकअप नहीं है क्या? क्या जब मैंने देखा तो वहाँ सिर्फ यही था। ओ, अब क्या? कुछ तो करना होगा ना। क्या होगा? मुझे देखने दो, ये कैसे हो गया? ये तो सच में खराब हो गई है। ये सच में खराब हो गया। एडिटर, मेरे पास एक आइडिया है। क्या मुझे सच में ये पहनना पड़ेगा? अगर मैं ये पहनूंगा तो हिल भी नहीं पाऊंगा। तुम ये कर सकते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है ली ग्रुप के एनुअल कॉस्मेटिक शो में, कॉस्मेटिक्स जो हर शहर की खूबसूरती निखारता है। तो चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की आज अकेली है, क्यों, क्या हुआ है? अगर हो सके तो अपना फोन नंबर दे देना। तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड है ना, जो थोड़ी मोटी है, उसे खाने से काफी प्यार है। फैशन शो में पतली लड़कियां देखने आए हो। मिस सुई, सब बहुत अच्छा चल रहा है, देखकर लग रहा है हमारी मेहनत रंग लाई। शो तो अभी भी बाकी है। मानना पड़ेगा, तुम तो कमाल हो।
तारीफ करने के लिए शुक्रिया। अरे मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसे साफ करने के लिए मैं कुछ लेकर आती हूँ। समझती क्या है खुद को। मिस सुई अब क्या करें? कोई बात नहीं, लाइटिंग रूम पर नजर रखना, कोई अंदर ना आने पाए। जरूरत नहीं है, ये देखकर लोग क्या सोचेंगे। लीज फैशन शो के सक्सेस का श्रेय जाता है निंग शू कंपनी को। ली कंपनी की ओर से, जैसा कि हम उनसे सालों से जुड़े हुए हैं, हम आगे भी उनसे जुड़े रहेंगे। आप इस फैशन शो के सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे सर? हम सब जानना चाहते हैं। शायद आपको मालूम नहीं है, पर इस फैशन शो का सक्सेस वाइस प्रेसिडेंट जांग की वजह से ही पॉसिबल हुआ। आखिर ये शो वाइस प्रेसिडेंट जांग का रिटायरमेंट शो जो है। ये क्या बात कर रहे हैं? क्या ये सच में रिटायरमेंट लेने वाले हैं? अचानक से क्या हो गया? ली ग्रुप की तरफ से मैं वाइस प्रेसिडेंट जांग का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वापस चलते वक्त मुझे आपको एक छोटा सा प्रेजेंट देना है। जांग मिंदा ने इतने दिनों में मिंगशो के साथ क्या किया है, ये हमारी दोस्ती करवाने में काफी होगा। मुस्कुराइए अंकल जांग, ये आपने कमाया है। मेरे लिए कुछ करना चाहती है क्या? कुछ भी तो नहीं। आपको फैशन शो पसंद आया? इतना कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। यह तो अच्छी बात है। मैं आपका कोट धोकर वापस कर दूंगी। हाँ और हाँ, अगर मैं कुछ देता हूं तो उसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं।
彼此却没有和肩并着肩的。